हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम चैनल आई एम मैथ्स वेनल कैसे हैं आप सभी लोग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए सेशन स्टार्ट हो चुका है अपने दोस्तों के साथ एक एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करके आ जाएंगे आज का सेशन होने वाला है जबरदस्त क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आर्थमेटिक के और कुछ क्वेश्चन मिक्स डी के तो अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं करा है तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ एक एक बार सेशन को शेयर करके सभी लोग आ जाएंगे राइट सो दैट वी विल स्टार्ट विद विदर्थ सेशन जल्दी से एक एक बार शेयर कराइए मैं वेट कर रहा हूं आपका जल्दी से कम ऑन अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं करा है तो एक एक बार सेशन को शेयर कराइए स्टार्ट करते हैं फिर राइट right? चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का आपके सामने है स्टार्ट करिए आंसर बताइए क्या आएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कराइए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक द सेशन इमीडिएटली कमॉन निकालिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी निकाल पाएंगे द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस टू इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज सिक्स मोर देन द दैरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल का पैरीमीटर छह सेंटीमीटर ज्यादा है स्क्वायर के पेरीमीटर से जिसका एरिया है चार सो स्क्र का एरिया होता है साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना है चार सौ तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ चार सो यानी कि ट्वेंटी ठीक है यही बोल रहा था आगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर लेंथ और विथ दिए तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी तो एक्स प्लस फाइव और प्लस एक्स माइनस टू ये कितना है सिक्स सेंटीमीटर ज्यादा है किससे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फोर इन साइड यानी कि एट्टी पे छह ज्यादा है यही बोला है यहां तक क्लियर है टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी ये आपका पैरिमीटर होता है किसका रेक्टेंगल का और रेक्टेंगल का पैरिमीटर छ सेंटीमीटर ज्यादा है किससे पेरीमीटर ऑफ स्कोर से ठीक तो, तो, है तो सोल्व करें टू टाइम्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्रीवल टू एंसल करोगे फोर्टी थ्री तो टू एक्स इक्वल टू फोर्टी एंड एक्स इक्वल टू ट्वेंटी यहां तक क्लियर है अगर एक्स ट्वेंटी है तो लेंथ हो जाएगी ट्वेंटी और फाइव ट्वेंटी फाइव और विध हो जाएगी ट्वेंटी माइनस टू एटीन लेंथ और ठीक है? अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो पच्चीस इंटू अठारह अठारह पंजे नब्बे का जीरो अठारह दूनी छत्तीस और नौ पैंतालीस साढ़े तो चार सौ सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन आपका आंसर होगा आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फिर बताइए कोई दिक्कत डन है मैंने बोला ना अगर मैं अच्छा करना है और नेक्स्ट वीक आपका जो मंडे को क्लास रहेगा वो मैं ही रहेगा मतलब नेक्स्ट वीक मैंने पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा और मतलब में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी एक तरीके से आप मैंसुरेशन को क्लोज करके हमेशा के लिए रख दोगे चेक करें क्वेश्चन का आंसर साढ़े चार सौ बिल्कुल करेक्ट है फॉर्मूले याद होने चाहिए में मेन चीज ये है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से कितना आएगा देखें चलिए एक ट्रेन है जो कि 20.25 पॉइंट सेकेंड में एक टावर को क्रॉस करती है मतलब एक पोल को क्रॉस करती है और 150 मीटर लंबे ब्रिज को 27 सेकंड में क्रॉस करेगी तो 20.25 पॉइंट सेकेंड में आपने टावर को क्रॉस करा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेन की खुद की लेंथ के बराबर 27 सेकेंड में आपने 150 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करा तो कितनी डिस्टेंस न फिफ्टी आपके ब्रिज की लेंथ और एल आपके टावर की लेंथ बीच में कितना डिफरेंस है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव सेकेंड का और ये सिक्स पॉइंट फाइव सेवन फाइव सेकेंड में आप कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो डेढ़ सौ मीटर सिक्स पॉइंट सेवन फाइव सेकेंड में आप डेढ़ सौ मीटर लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो क्योंकि बीच में गैप है ना एल से एल कैंसिल तो एक सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करा डेढ़ सौ अपॉन सिक्स पॉइंट सेवन फाइव ये मीटर पर सेकंड में है ये मीटर पर सेकंड में है और आपको जो आंसर दिए हैं वो किलोमीटर पर आर में हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है 18 बाई फाइव का मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे इनटू 100, ठीक है पांच से कट गया तीस दो से पंद्रह पंद्रह चौका साठ पंद्रह पंजे पचहत्तर ठीक है टू नाइन सा फाइव नाइन फाइव से कैंसिल हो गया ट्वेंटी तो ट्वेंटी टू द फोर्टी फोर्टी टू द एटी मतलब एट्टी किलोमीटर पर आवर ये आपका आंसर है एट्टी किलोमीटर पर आवर एट्टी किलोमीटर पर आवर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन अगर क्लियर है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा इसका आंसर बताएंगे बट उससे पहले टिक करके चेक करते हैं कि आंसर सही है क्या बिल्कुल करेक्ट है अगला क्वेश्चन ये रहा आपका चलिए देखें आइए एक बोट है जो कि x किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है t आर्स में x प्लस फोर्टी किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम टी माइनस फोर आर में अच्छा x किलोमीटर अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम होता है a माइनस बी ए आपके आप बोट की स्पीड b आपके स्ट्रीम की स्पीड और टाइम कितना लगा t ठीक है सेम वही बोट x प्लस फोर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी a प्लस बी डिस्टेंस टाइम कितना लगेगा टी माइनस फोर ठीक है स्पीड ऑफ स्ट्रीम सेवन किलोमीटर पर आर यानी कि बी की वैल्यू कितनी है सेवन अब एक छोटी सी बात को समझ जाओ बी की वैल्यू सेवन है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी भी आपके पास तीन वेरिएबल अननोन हैं पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा तीन वेरिएबल अभी भी अननोन है अगर आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हो लेट सपोज यहां से बनाते हैं एक्स अपॉन ए माइनस सेवन इक्वल टू टी को यहां भी टी निकाला यहां टी निकालेंगे तो एक्स प्लस फोर्टी अपॉन ए प्लस सेवन प्लस फोर ठीक है यहां तक क्लियर है अब आप यहां देखिए एक्स यहां भी है एक्स यहां भी है ए यहां भी है ए यहां, यहां भी है और सबसे बड़ी चीज है कि आप वेरिएबल यहां पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं निकाल पाओगे जो वेरिएबल आपको निकालना है वो वेरिएबल आप नहीं निकाल सकते क्यों क्योंकि आपके पास एक कॉन्स्टेंट नंबर भी है अब जैसे आप मल्टीप्लाई करो अगर है ना आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे एक्स भी बनेगा यहां पे फोर ए स्क्वायर भी बनेगा आप वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि एक ही इक्वेशन है सिंगल इक्वेशन है सिंगल इक्वेशन है और सिंगल इक्वेशन में आपके पास ठीक है तो यहां पर दो दो वेरिएबल हैं ना और सिंगल इक्वेशन है तो आंसर नहीं आ सकता इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सीएन कैन नॉट बी डिटरमाइन अगला क्वेश्चन समझना एक बार आई थिंक वॉइस का कुछ इशू था एक वैसल है जिसमें छप्पन लीटर मिल्क है वो बाकी बचा हुआ वाटर है वाटर जो है पांच है मतलब वॉटर एक है तो मिल्क आपका चार होगा ठीक है अब आपको क्वेश्चन में वाटर क्वेश्चन में दिया है सॉरी मिल्क आपको कितना दिया है छप्पन मतलब चार की वैल्यू छप्पन एक की वैल्यू चौदह तो टोटल मिक्सचर हो गया फोर्टीन फाइव सेवेंटी आगे बोल रहा है फिफ्टीन लीटर मिक्सचर बाहर कर दो सत्तर में से पंद्रह लीटर मिक्सचर बाहर कर दिया तो बचा कितना पचपन अब ये जो पचपन लीटर है इसमें आपको पता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है हाइड हो जाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए पचपन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है सेम सेम रहेगा मिल्क आपका फोर रहेगा वाटर आपका तो वन रहेगा चार और एक पांच पांच की वैल्यू पचपन ग्यारह का मल्टीप्लाई सवाल और ग्यारह अच्छा एक्स लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया अच्छा मिल्क तो आपका एज इट इज है फोर्टी फोर और वाटर में आपने एक्स लीटर ऐड कर दिया तो वाटर में चेंज आएगा और जैसे ही आपने ये किया तो अब आपके पास मिल्क हो गया इलेवन और वाटर हो गया सिक्स के रेशो में तो एक्स प्लस इलेवन इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स इक्वल टू थर्टीन ठीक है मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों का आंसर थर्टीन आ रहा है तो जिन लोगों का आंसर थर्टीन आ रहा है वेरी गुड बिल्कुल करेक्ट है थर्टीन विल बी और करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन थर्टीन बिल्कुल सही है आपके क्वेश्चन का आंसर आगे चलते <coughs> इसको ट्राई करिए चलिए देखें समझे एक फ्रूट वेंडर है जो एप्पल और ऑरेंजेस को सेल करता है और इक्वल रेवेन्यू मिलता है उसको दोनों को बेचने पे उसको 20 परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा प्रत्येक एप्पल पे एप्पल की कॉस्ट को ए मान लेते हैं ठीक है 20 परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा मतलब कि 120 परसेंट में उसने बेचा ठीक है और नंबर ऑफ एप्पल कितने नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड इज टू यूनिट उसने एप्पल को बेचे जो रेवेन्यू यहां से मिला है वही रेवेन्यू ऑरेंजेस से मिलेगा ऑरेंजेस को 25 परसेंट प्रॉफिट थ्री रेशियो निकाल लेते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल एप्पल और ऑरेंज का रेशियो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा थ्री इंटू वन ट्वेंटी फाइव अपॉन टू इंटू वन ट्वेंटी क्लियर है डन है चलिए देखें पच्चीस पंजे चौबीस पंजे थ्री से कट गया एट तो एप्पल और ऑरेंज का जो रेशो है पच्चीस और सोलह ठीक है पच्चीस और सोलह जबकि आपको ऑरेंज और एप्पल निकालना है तो ऑरेंज और एप्पल कितना हो जाएगा सोलह और पच्चीस ठीक है डन है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ही ये रहा चलिए देखें यहां पे बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड रवि इजी है क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा राहुल और रवि की जो एज है ये इक्वल है नितिन और निशांत की एज दस साल बाद दोनों की एज को दस साल आगे ले जाना है तो टोटल कितना आगे जाएगा बीस साल तो ये एक इक्वेशन फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है डन है ओके रवि इज ओल्डर देन निशांत बाय फाइव ईयर ओके द रेशो ऑफ द एज ऑफ नितिन एंड रवि में नितिन की एज को मान लिया थ्री एक्स और रवि की एज किस रेशो में टू एक्स ऊपर एक स्टेटमेंट है कि रवि निशांत से पांच साल बड़ा है तो रवि है टू एक्स जो निशांत की एज से पांच साल बड़ा है तो निशांत आपके पास कितना आ जाएगा टू एक्स माइनस का फाइव ठीक है यहाँ पर क्लियर है सम ऑफ द एज ऑफ राहुल एंड नितिन राहुल एंड नितिन ठीक है तो राहुल और नितिन इनकी जो एज है वो कितनी है आपके पास फोर्टी सेवन ईयर्स है लेकिन ये कब है पांच साल पहले पांच साल पहले दो लोगों की एज फोर्टी सेवन है तो आज कितना होगा पांच और पांच दस साल इंक्रीज हो जाएगा तो कितना फिफ्टी सेवन तो राहुल की एज हो जाएगी फिफ्टी सेवन माइनस थ्री एक्स ठीक है ये हो गया निशांत ये हो गया रवि ये हो गया नितिन अब जो बोल रहा है उसमें पुट कर देते हैं राहुल और रवि ये रवि है ये राहुल है, दोनों को पुट करेंगे तो फिफ्टी सेवन माइनस का एक्स इक्वल टू नितिन थ्री एक्स निशांत टू एक्स माइनस का फाइव और प्लस का ट्वेंटी है, ओके तो यहां देखें थ्री और टू फाइव और वन सिक्स एक्स इक्वल टू बीस में से पांच गया पंद्रह पंद्रह वहां जाएगा बयालीस एक्स इक्वल टू सेवन आपको राहुल की प्रेजेंटेज बतानी है तो फिफ्टी सेवन माइनस ट्वेंटी वन तो थर्टी सिक्स तो आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए थर्टी सिक्स बिल्कुल सही है क्लियर है आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन डन है ना आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में ठीक है अगर ये क्लियर है क्वेश्चन तो जल्दी से लिख के बताइए यस yes सर क्लियर है ठीक है अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ये आपकी डीआई है मैं हाइड हो जाता हूं जिससे आपको प्रॉपर डिटेल दिख जाए ठीक है ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है इसकी डिटेल्स ये है पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है राइट तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के दिए हैं अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जिनका भी एल आई डबल का एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक बेहतरीन तरीके से फोड़ के आइएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू हैव नाइस डे बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो तो मच